हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है इसके चैप्टर नंबर 8 काशायाणम को अपराधा इसे पढ़ रहे थे। आज हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अधोदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि समुचितं विकल्पं चिनुत लिखत। फर्स्ट है स्वातंत्रता आंदोलनस्य व्यवहार आरंभ दिने शुकुत्र प्रचलत। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसका आरंभिक दिनों में ये कहाँ पर प्रचलित हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? साबरमती आश्रम में, वर्धा आश्रम में, डांडी समीपे, पालड़ी ग्राम में। तो इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम में। सेकेंड है गांधी महोदय से कारण कह प्रभाविता प्रसन्न च आसित। गांधी महोदय के कार्य से कौन प्रसन्न हुआ और प्रभावित हुआ? सत्यदेव, महादेव, निपुण स्वामी, जवाहरलाल। तो इसमें सही आंसर होगा सत्यदेव। थर्ड है गांधी महोदय से पूर्वतः किम कर्तुम सत्यदेव समर्थन न अभवत। गांधी महोदय के सामने क्या करने के लिए सत्यदेव समर्थ नहीं हुआ? सेवा कार्यम रोषम प्रकटितुम, रोषम गोपयितुम, आश्रमम गंतुम। तो इसका सही आंसर होगा रोषम प्रकटितुम, अपने गुस्से को वो प्रकट नहीं कर पाए। फोर्थ है सत्यदेवस्य वचनम श्रुत्वा गांधी महोदय कथम अभवदत। सत्यदेव के वचन बातों को सुनकर गांधी महोदय ने क्या कहा, किस तरीके से कहा? शांत स्वरेण, क्रुद्ध स्वरेण, श्रांत स्वरेण या दृढ़ संकल्पेन। तो इसका सही आंसर होगा शांत स्वरेण। उन्होंने बहुत ही शांति से उनको, शांति तरीके से उनको समझाया। फिफ्थ है संन्यास की दृश्य संकल्प वर्तते। संन्यास किस तरीके का संकल्प है? मननीय, मोहगत, मनोगत या काशाय परिधानस्य। तो यह इसका सही आंसर होगा मनोगत, मन में इसका संकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। फर्स्ट है सत्यदेव क आसे, सत्यदेव कौन था? सत्यदेव काशय वस्त्रधारी सन्यासी आसे। सत्यदेव काशय वस्त्र या भगवा वस्त्रधारी सन्यासी थे। सेकेंड है गांधी महोदय से ध्येयम किम आसित। गांधी महोदय का ध्येय लक्ष्य क्या था? लोकानाम सेवा प्रवृत्ति ही इति गांधी महोदय से ध्येयम आसित। लोगों की सेवा करना ही गांधी महोदय का ध्येय था। थर्ड है जनह कस्य सेवाम न अंगीकुर्वन्ति। लोग जो है किससे सेवा नहीं करवाते हैं? जनह काशाय वस्त्रधारिण संन्यासिन सेवाम न अंगीकुर्वन्ति। जो लोग होते हैं वो भगवा वस्त्रधारी, जो भगवा वस्त्र कलर का कपड़ा पहनते हैं उनसे वो, अर्थात संन्यासियों से वो सेवा नहीं करवाते हैं। फोर्थ है कस्य त्यागेन संन्यासस्य त्याग न भवति। क्या त्याग करने से संन्यास का त्याग नहीं होता है? तो काशाय वस्त्राणाम त्यागेन संन्यासस्य त्याग न भवति। काशाय वस्त्र भगवा कलर के कपड़े को त्याग करने से संन्यास का त्याग नहीं होता है। फिफ्थ है स्वामी सत्यदेव किमर्थम सन्नद्ध अभवत। स्वामी सत्यदेव किस कार्य के लिए सन्नद्ध हुए? तो स्वामी सत्यदेव काशाय वस्त्राणाम त्याग कृत्वा सेवा कार्य आत्मनम योजितुम सन्नद्ध अभवत। किस बात के लिए वो तैयार हो गए थे? स्वामी सत्यदेव भगवा वस्त्र के कपड़े को त्याग करके सेवा काम में खुद को लगाने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट है अधोलिखितानि क्रियापदानि वर्तमान कालस्य लकारस्य रूपत्वेन परिवर्तयत। इसको वर्तमान काल में चेंज करना है। प्रारब्ध प्रारभते, आगच्छत आगच्छति, अकथयत कथयति, भविष्यन्ति भवति, अकूपियत कूपयति। ये वर्तमान काल में चेंज हुआ है। नेक्स्ट है रेखांकित पदानाम स्थाने प्रकोष्ठात
उचितम चित्वा प्रश्नवाक्यम रचयेत। ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदया स्वीकृतवान, तो गांधी महोदया की जगह क्या होगा, कह। सत्यदेवस्य प्रस्तावम कह स्वीकृतवान। सन्यासी जना काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, तो के काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति। केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदामि, केवलम केशाम त्यागम कर्तुम वदामि। श्रेणोतु भवान सावधानेन मनसा, श्रेणोतु भवान कीदृशेन मनसा। ते भवतः सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति, तो ते कस्य सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति। ये प्रश्न निर्माण हुआ इसका। तो प्रश्न निर्माण में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना हमें याद रखना है। नेक्स्ट है शब्द रूप ही रिक्त स्थानानी पूर्यत। एक वचन द्विवचन बहुवचन में दिया है, जिसमें ये ब्लैक वाले जो दिए हैं वो प्रश्न है, रेड वाले हमारा आंसर है। तो दिवसे दिवसयो दिवसेषु, कार्यतरस्य कार्यतरयो कार्यतरा कार्यरतानां, स्वरेण स्वराभ्याम सर्वै स्वरै, त्यागेन त्याग्याभ्याम त्यागै। ये तीनों में से कोई भी हम आंसर लिख सकते हैं। त्याग्याय त्याग्याभ्याम त्यागेभ्य, त्यागात त्यागाभ्याम त्यागेभ्य, देशे देशेहु देशेषु। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसारम धातु रूपाणाम परिचयम कार्यत। उदाहरण के अकॉर्डिंग ही हमें इसे भी बताना है। जैसे मन्ये का दिया है वर्तमान काल आत्मने पदम उत्तम पुरुष एक वचन, तो काल बताना है, पद बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। भविष्यन्ति का भविष्य काल परस्मै पदम, अन्य पुरुष बहुवचन। प्राचलत का हयस्तन भूतकाल परस्मै पदम, अन्य पुरुष एक वचन। अकथियत का हयस्तन भूतकाल परस्मै पदम, अन्य पुरुष एक वचन। भवामि का वर्तमान काल परस्मै पदम उत्तम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है प्रदत्ता नाम शब्दानाम प्रयुज्य वाक्यानि रयच रचयत। ये जो वाक्य दिए गए हैं इसको जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना है। वन डे केम टू आश्रम, एक दिवस आश्रम आ प्लस गम, एकस्मिन दिवसे सह आश्रमम आगच्छत। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई वर्क, कार्य अतीव प्रभावित अस, कार्येण सह अतीव प्रभावित है, पूर्ण विराम होगा। त्याग क्री तुम प्लस कथम प्रवृत्त भू, तो त्याग क्री प्लस तुम कथम प्रवृत्त प्लस भू, हाउ कैन आई बी रेडी टू गिव अप, त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्ता भवामी। आई टेल यू टू गिव अप ओनली सैफ्रन क्लोथ्स, केवलम काषाय वस्त्रम त्यागम वदत, केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागाय वदामी। तो ये जो दिए गए हैं इसी को जोड़ के हमें इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को पढ़ते हुए बनाना है संस्कृत में सेंटेंस। नेक्स्ट है कृदंत प्रकारम लिखत, विकीर्य का संबंधक भूत कृदंत, भवितुम का हेतुवर्थ भूत कृदंत, हेतुवर्थ कृदंत, आदाय का संबंधक भूत कृदंत, छेतुम का हेतुवर्थक कृदंतम, धृत्वा का संबंधक भूत कृदंतम। नेक्स्ट है अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि आंग्ल भाषायाम लिखत। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके आंग्ल भाषा में अपनी भाषा में उत्तर लिखना है। व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन द आश्रम, आश्रम में क्या चल रहा था। गांधी जी कंडक्टेड द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द आश्रम एट साबरमती। गांधी जी स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आश्रम में। सेकेंड है वाई डिड स्वामी सत्यदेव विश टू गेन एंट्री इन द आश्रम, स्वामी सत्यदेव क्यों चाहते थे आश्रम में एंट्री करना, प्रवेश करना। स्वामी सत्यदेव वॉज डिलाइटेड एंड इम्प्रेस्ड बाई गांधी जीज वर्क, ही विश्ड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड वर्क ऑफ सर्विस स्टार्टेड बाई गांधी जी, सो ही विश्ड टू गेन एंट्री इन गांधी जीज आश्रम। स्वामी सत्यदेव वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, प्रभावित हुए थे गांधी जी के कार्य से, इसीलिए वो इच्छा जाहिर करते हैं कि वो भी इस काम में गांधी जी के साथ सेवा करना चाहते हैं
और खुद का योगदान देना चाहते हैं, इसीलिए वो आश्रम में एंट्री करना चाहते थे, प्रवेश लेना चाहते थे। व्हाट डिड गांधी जी से कामली, गांधी जी ने शांतिपूर्वक क्या कहा? गांधी जी टोल्ड स्वामी सत्यदेव डैट व्हाट लेटर सेड अबाउट बींग अ सन्यासी वॉज ट्रू बट ही हैड नॉट आस्क टू गिव अप सन्यास। गांधी जी कामली सेड आई एम आस्किंग यू टू गिव अप ओनली द सैफरन क्लोथ। गांधी जी ने शांतिपूर्वक उसको समझाया सत्यदेव को कि मैं आपको सन्यास को त्यागने नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये सैफरन क्लोथ त्यागने के लिए कह रहा हूँ। फोर्थ है, हाउ डू पीपल ऑफ आवर कंट्री बिहेव विद सन्यासीज। हमारे कंट्री में, देश में कैसे लोग सन्यासी के साथ व्यवहार करते हैं? तो इन आवर कंट्री सन्यासीज आर हाईली रिस्पेक्टेड, पीपल आर वेरी एगर टू सर्व देम। तो हमारे देश में सन्यासियों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा आदर किया जाता है उनका, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं हमारे देश में। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।